हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोटबुक इन टूडे वीडियो टू डू अंग्लिश चैप्टर कॉल्ड अथर्व इमेजिनेशन तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बॉय जिसका नाम है अथर्व उसकी इमेजिनेशन के बारे में सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स वार्म अप राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स सो फ्रेंड्स जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रही हैं ये एनिमेटेड करेक्टर्स तो आपको इन एनिमेटेड करेक्टर्स के नेम्स लिखने हैं आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इनकी मूवीज देखी होंगी या इनकी कोई स्टोरी पढ़ी होगी या इनकी कोई कॉमिक बुक पढ़ी होगी तो आपको आप बहुत ही आसानी से इनके नाम यहाँ लिख पाएंगे सो फ्रेंड्स दिस इज आ चैप्टर एंड हेयर यू कैन सी द बॉय स्टोरी इट इज अथर्व तो अथर्व की आज हम इमेजिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो वॉट इज इमेजिनेशन देखिये इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना जब हम अपने माइंड में कुछ ऐसी पिक्चर्स या कुछ ऐसी बातें या आइडियाज सोचते हैं जो रियलिटी से दूर होते हैं उस चीज को हम कहते हैं इमेजिन करना या इमेजिनेशन तो आज हम अथल की इमेजिनेशन के बारे में पढ़ेंगे देखिए ये कुछ ऐसे आइडियाज कुछ ऐसी बातें सोच रहा है जो रियालिटी से दूर है सो फ्रेंड्स लेट स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग स्टोरी ओल्ड बॉय अथर्व एक बारी की बात है एक बच्चा था जिसकी एज थी नाइन ईयर्स तो एक नौ साल का बॉय था जिसका नाम था अथर्व अथर्व लव्ड नथिंग मोर देन यूजिंग हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट न्यू वर्ल्ड एंड करेक्टर्स इन हिस्स माइंड अथर को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता था इमेजिन करना अपनी इमेजिनेशन यूज करके नई दुनिया बनाना और उस दुनिया में नए नए करेक्टर्स अपने माइंड में सोचना तो अथर को सबसे ज्यादा चीजों को इमेजिन करना अच्छा लगता था ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इज टाइम मोस्ट ऑफ इज फ्री टाइम ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ इज क्रिएशन एंड राइटिंग स्टोरीज अबाउट दैन अतः ज्यादातर जो उसका फ्री टाइम था वो किस चीज पे स्पेंड करता था जो भी वो चीजें इमेजिन करता था उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करने में और उनके बारे में स्टोरीज लिखने में तो यही मतलब है इस लाइन का कि वो अपना ज्यादातर टाइम जो चीजें वो इमेजिन करता था उनकी पिक्चर्स और उनके बारे में स्टोरीज लिखने में स्पेंड करता था फ्रेंड्स तो देखिए वो अपने फ्री टाइम का कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करता था राइट right? हमें भी अपने फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ये नहीं है कि हम अपने फ्री टाइम में टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर लगे हुए हैं दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग लेट्स रीड इट फर्दर वन डे अथर्व वॉज इन हिज बैक यार्ड ही स्टार्टेड इमेजिनिंग अ मेजिकल किंगडम फिल्ड विद टॉकिंग एनिमल्स एंड एंचांटेड फॉरेस्ट ओके तो एक दिन अथर्व अपने बैकयार्ड में था वट इज बैक यार्ड फ्रेंड्स जो हमारा घर का जो पीछे का बैक गार्डन होता है दैट इज नोन एज बैक यार्ड तो एक बार अथर्व अपने बैक यार्ड में था वहां पर उसने क्या इमेजिन किया उसने इमेजिन करा एक मैजिकल किंगडम यानी एक जादुई किंगडम जिसमें कौन थे टॉकिंग एनिमल्स एनिमल्स हु एनिमल्स यानी एनिमल्स जो बोल सकते थे और उसमें था एक एंचांटेड फॉरेस्ट वाओ एंचांटेड यानी एक मैजिकल फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट जो मैजिक से चेंज हो सकता हो ही इमेज हिमसेल्फ एज अ वॉरियर प्रिंस सेविंग हिस्स किंगडम फ्रॉम एन ईवल सोसरेस हु ओवर द लैंड अब अथर्व ने फर्दर क्या इमेजिन किया उसने अपने आप को इमेजिन किया एज अ वॉरियर प्रिंस वॉरियर मतलब फ्रेंड्स जो जो ब्रेव होता है और जो लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहेंगे वॉरियर राइट ब्रेव फाइटर जो लड़ाई में लड़ता है उसे कहते हैं वॉरियर तो उसने अपने आप को एक वॉरियर प्रिंस इमेजिन करा जो अपने किंगडम को यानी अपने राज्य को बचा रहा था एक ईवल सॉसरेस से अब सोसरस क्या होती है देखिए ये फीमेल है सोसरेस जो इसका मेल होता है उसको हम कहते हैं सोसर तो ये एक फीमेल आई मीन एक सॉसरिस थी जो इवल थी यानी कि वो एक ऐसा पर्सन जो ब्लैक मैजिक जानता हो और उस ब्लैक मैजिक को वो यूज करता है लोगों को तंग करने के लिए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उसे हम कहेंगे ईवल सॉसरेस तो एक ईवल सॉसरेस थी उसने क्या किया था उसने जो किंगडम था उसके ऊपर एक डार्क स्पेल कर दिया था यानी काला जादू कर दिया था तो ये अथर्व की इमेजिनेशन थी जो जब वो अपने बैकयार्ड में था तो उसने ये सारी चीजें इमेजिन करी वहां पर अब देखते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आगे क्या होता है अथल्स इमेजिनेशन वॉज वेरी विविड तो फ्रेंड्स ये जो अथर्व की इमेजिनेशन थी वो बहुत विविड थी विविड यानी कि वो इतनी अच्छी तरह से अपनी चीजों को इमेजिन कर सकता था कि उसको बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखता था ही कुड सी एवरी थिंग इन हिज माइंड आई वो अपने माइंड की आई से सब कुछ देख पा रहा था इतनी विविड इतनी अच्छी इमेजिनेशन थी उसकी क्या क्या देख पा रहा था फ्रॉम द टॉल कैसल इन द किंगडम टू द टाइनी फेरीज फ्लटरिंग अबाउट इन द फ्लावर फील्ड्स देखिए वो क्या देख पा रहा था क्या क्या देख पा रहा था जो बड़े बड़े लंबे लंबे कैसल थे महल उनको भी देख पा रहा था और जो छोटी छोटी टाइनी फेरीज यानी छोटी छोटी परियां थी जो फ्लावर फील्ड्स में घूम रही थी फ्लटर कर रही थी उन्हें भी देख पा रहा था he could also hear the roar of the dragon and the husky voice of the evil sorceress और इन सब के अलावा वो जो dragon भी था एक wahan पर उसकी रोर भी सुन पा रहा था जैसे कि ये dragon है इसकी जो रोर है इसकी जो sound है वो भी सुन पा रहा था और evil जो sorceress थी उसकी husky वॉयस भी सुन पा रहा था जो वॉयस होती है कर्कश सी जिसको हम husky यानी एक भारी सी कर्कश सी आवाज जो होती है वो भी उस इवल सॉसरस की वो सुन पा रहा था तो इन लाइन से फ्रेंड्स हमें ये पता चल रहा है कि अथर्व की इमेजिनेशन कितनी अच्छी थी कितनी विविड थी As Atharv continued to imagine this magical world, he decided to write a book about his kingdom. Wow! देखिए जब जैसे अब अथर्व अपनी चीजों को इमेजिन कर पा रहा था ये मैजिकल वर्ल्ड को तो उसने क्या डिसाइड करा उसने डिसाइड करा कि मैं इस किंगडम के बारे में क्यों ना एक बुक लिखू फ्रेंड्स ये देखिए ये है वो इवल सॉसरेस जिसने एक डार्क स्पेल कास्ट कर दिया था किंगडम पर ही स्टार्टेड पिक्चर्स about the अबाउट द had ही जब उसने डिसाइड करा कि मेरे को बुक लिखनी है इसके ऊपर तो उसने काम करना शुरू करा तो उसने क्या करा उसने पिक्चर्स ड्रॉ करी उन करेक्टर्स की उनके बारे में उसने स्टोरी लिखनी शुरू कर दी ही स्पेंड वीक्स वर्किंग ऑन द बुक और उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा ही स्पेंड वीक्स यानी हफ्ते लगाए उसने उस बुक पर काम करने के लिए हार्ट एंड सोल इन टू एवरी पेज तो अथर्व ने काफी हफ्ते स्पेंड करे उस बुक को लिखने में बनाने में और उसने हार्ट एंड सोल इसका फ्रेंड इस फेज का मतलब होता है कि उसने पूरी जी जान लगा दी पूरी मेहनत से सिंसेरिटी से बहुत एंथजियाजम से उसने उस बुक पर काम किया हर एक पेज पर अपनी जी जान लगा दी उसने आगे देखते हैं आगे क्या किया अब उसने उस बुक का वेन द बुक वॉज कंप्लीटेड अथर शोड हिज क्रिएशन टू हिज पेरेंट्स अब जब अथर ने वो बुक कंप्लीट कर ली सारी लिख ली ड्रॉ कर ली पिक्चर्स तो उसने वो अपनी क्रिएशन अपने पेरेंट्स को शो करी दे वीडिंग हिस्स बुक एंड हिज पेरेंट्स सडनली गॉटअप एंड हग हिम तो उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था वो उसकी बुक पढ़ रहे थे और एकदम से उसके पेरेंट्स खड़े हो गए और अथर्व को उन्होंने हग कर दिया देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये अथर्व ये अथर्व है और ये अथर्व के पेरेंट्स है यहाँ पर हमें एक बुक दिखाई दे रही है राइट अब उन्होंने क्यों हग करा बिकॉज दे वर अमेस्ड बाय हिज क्रिएटिविटी एंड टैलेंट क्योंकि वो बहुत हैरान अमेज हो गए थे बहुत खुश थे उसके टैलेंट को देखकर, उसकी क्रिएटिविटी को देखकर क्रिएटिविटी का क्या मतलब है जब हम कोई नई चीज डेवलप कर पाते हैं अपने इमेजिन करके अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी दे एनकरेज हिम टू कंटिन्यू यूजिंग हिज इमेजिनेशन और उसके पेरेंट्स ने उसको एनकरेज किया उसको बढ़ावा दिया कि उसको ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन को यूज कर कर अपना क्रिएटिविटी दिखानी रह, दिखानी चाहिए दे वर वेरी प्राउड ऑफ हिम वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे अथर्व के वजह से अथर्व रियलाइज दैट हिज इमेजिनेशन वॉज अ पावरफुल टूल दैट कुड टेक हिम एनी वेयर ही वॉन्टेड टू गो अब अथर्व ने रियलाइज किया उसको समझ आया कि भाई जो उसकी इमेजिनेशन है वो बहुत ही पावरफुल टूल है एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है उसके पास जिसकी वजह से वो कहीं भी जा सकता है यानी अपने माइंड में वो कहीं भी जा सकता है ही कंटिन्यू टू क्रिएट न्यू कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज ईच वन मोर एक्साइटिंग देन द लास्ट और उसने अपनी इमेजिनेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करा उसको यूज करना कंटिन्यू करा जिसकी वजह से वो नए नए करेक्टर्स और स्टोरीज़ बनाता चला गया और हर नई स्टोरी पहले वाली स्टोरी से ज्यादा एक्साइटिंग थी एंड ही न्यू that हिज इमेजिनेशन हैड the पावर टू क्रिएट न्यू worlds एंड ब्रिंग जॉय टू अदर्स थ्रू हिज stories. और अथर्व को ये पता था कि उसके इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि वो नए वर्ल्ड्स यानी नई दुनिया क्रिएट कर सकता है और लोगों की लाइफ में खुशी ला सकता है जॉय यानी हैप्पीनेस खुशी ला सकता है अपनी स्टोरीज के थ्रू सो फ्रेंड्स दिस वाज द चैप्टर अथर्व इमेजिनेशन जिसमें हमने देखा कि अथर्व कितने अच्छे से अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उनको स्टोरीज की फॉर्म में ले आता था और जिससे वो दूसरों की लाइफ में खुशी लाता था तो फ्रेंड्स मुझे तो इस स्टोरी को पढ़कर बहुत मजा आया अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय।